आप खिड़की से बाहर देखते हैं और पाते हैं कि पेड़ बेतहाशा हिल रहे हैं। हवा इतनी तेज है कि वो गली में हर चीज को उखाड़ कर फेंक रही है। आप पर टनों पानी भी बरस रहा है। आप जितना जल्दी हो सकता है उतनी तेज ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपकी कार रुक जाती है। आपने टाइफून, साइक्लोन और हरिकेन नाम सुने हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको इनका फर्क ना पता हो। इन तीनों का एक ऑफिशियल साइंटिफिक नाम ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। प्रैक्टिकली वे एक ही चीज होते हैं और एक तरीके से बनते हैं, लेकिन उनमें अंतर उनके बनने की जगह का हो सकता है। हरिकेन्स वो होते हैं जो अटलांटिक ओशन या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर आकार लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गर्म नमी वाली हवा की ताकत से बनने वाले बड़े से टर्बाइन इंजन की तरह काम करते हैं और केवल इक्वेटर के पास ओशन के गर्म पानी के ऊपर ही बनते हैं। ओशन के आसपास गर्म और नमी वाली हवा उठती है और सरफेस तक लो प्रेशर वाली हवा को छोड़ती है। बदले में नीचे की हवा नमी वाली और गर्म हो जाती है और वो भी ऊपर उठती है। ये साइकिल चलती रहती है जिसमें गर्म हवा ऊपर जाती है और गर्म नम हवा के रूप में ऊपर उठने के लिए सरफेस के पास लो प्रेशर को स्क्वीज करती है। जब गर्म नम हवा ठंडी होती है ये बादलों को तैयार करती है। ये बादल हमें डराने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म तैयार करते हैं। स्टॉर्म उसी तरीके से स्पिन करते हैं जैसे धरती घूमती है, इसलिए इक्वेटर के साउथ में स्टॉर्म क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं और इक्वेटर के नॉर्थ में स्टॉर्म काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। स्टॉर्म की आई तब बनती है जब स्टॉर्म इतनी तेजी से स्पिन होता है कि असल में इसके सेंटर में लो एयर प्रेशर साफ साफ दिखने लगता है, लेकिन आपको इसे ऊपर से देखना होगा जो कि काफी खतरनाक है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म आमतौर पर लगभग 39 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर मूव करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इससे कहीं ज्यादा तेज होते हैं, लगभग 74 मील प्रति घंटा। उन्हें हरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल के किनारे पर खड़े हैं तो धरती की रोटेशन रुकी हुई लगेगी, हालांकि बाकी धरती पर सभी को दिन और रात का अनुभव होता रहेगा। पोल्स में असल में काफी लंबी रात और दिन होते हैं जो महीनों तक चलते हैं। इक्वेटर पर टाइम प्लैनेट पर डिस्टेंस के साथ मूव करता है जो कि 25,000 मील लंबा है। धरती पर लंबी दूरी तक ट्रैवल करने वाली हवा का पैटर्न कोरियोलिस इफेक्ट से एक सीधी लाइन में चलने के बजाय कर्व में मूव करता है और प्लैनेट की यूनिक शेप की वजह से स्पीड अलग होती है। ये कोरियोलिस फोर्स और साथ ही हरिकेन्स पर भी असर डालती है। वैसे इक्वेटर पर धरती के सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स के रास्ते में कोई घुमाव नहीं होता, इसलिए कोरियोलिस फोर्स जीरो के समान होता है। एक हरिकेन स्टार्टर पैक में ओशन का गहरा गर्म पानी शामिल होता है। ये सब एटमॉस्फेयर की नम बीच की लेयर में होता है जिसके ऊपर ठंडा एटमॉस्फेयर होता है। फिर ये कुछ निचली हवा और कुछ सरफेस डिस्टरबेंस को अपने साथ लेता है। साथ ही ये एक बड़े हरिकेन के सेंटर वाली किसी बड़ी वाटर बॉडी से दूर लगभग 300 मील तक स्ट्रेच हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जब ये हरिकेन्स जमीन से टकराते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ओशन के बीच में मौजूद गर्म पानी इसे आगे बढ़ने के लिए जरूरी ताकत मुहैया नहीं करा पाता। लेकिन फिर भी ये तेज हवा और बारिश के साथ भारी भरकम नुकसान कर सकता है। 1900 में मैक्सिको के गल्फ में और सेंट्रल अमेरिका के पास एक सबसे बड़ा हरिकेन टकराया। फिर ये यहाँ से दूर फ्लोरिडा और टेक्सास तक गया और इसे यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हरिकेन माना जाता है। उन्होंने पहले पहल इसे 27 अगस्त को डिटेक्ट किया और ये कई दिनों तक चला। जब ये टेक्सास के कोस्ट तक पहुंचा तब तक ये स्टॉर्म कैटेगरी 4 हरिकेन बन चुका था। हरिकेन्स को हवा की गति और तीव्रता के कैटेगरी में बांटा जाता है। इसके लिए सैफिर सिम्पसन स्केल नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 1 से 5 तक 5 अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जिसमें 1 सबसे कमजोर और 5 सबसे ताकतवर होती है। कैटेगरी 1 स्टॉर्म में हवा 74 मील प्रति घंटा से 95 मील प्रति घंटा के बीच मूव करती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पेड़ उखड़ जाएंगे और मोबाइल होम्स तबाह हो जाएंगे। ये कुछ घरों के बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है और बिजली की बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। कैटेगरी 5 हरिकेन्स की स्पीड 155 मील प्रति घंटे तक हो सकती है और इसके रास्ते में आने वाली कोई चीज नहीं बचती। ये कुछ बिल्डिंग्स को उनकी नींव के साथ उखाड़ सकते हैं।
साथ ही हवा इतनी तेज होती है कि इसके रेडियस में ज्यादा नुकसान होता है। एक और चीज, इसके साथ बहुत भारी बाढ़ आती है। गल्वेस्टन के लोगों को आने वाले स्टॉर्म की तैयारी करने के लिए 4 दिन का समय मिला, जो ओक्लाहोमा और कंसास तक फैला था, जिसमें 20 फीट के फ्लैश फ्लड्स भी थे। ये विशाल हरिकेन ग्रेट प्लेन्स की तरफ गया और फिर ग्रेट लेक्स न्यू इंग्लैंड की तरफ मुड़कर साउथ ईस्टर्न कनाडा तक पहुंच गया। ये स्टॉर्म इतना खतरनाक था कि इसने 3600 घरों को नुकसान पहुंचाया, जबकि वे इतने मजबूत बने थे कि सख्त तूफान को भी झेल सकते थे। तब की पॉपुलेशन को देखें तो करोड़ों में तो नहीं, पर सैकड़ों हजारों की संख्या में घर तबाह हुए थे। तब लगभग $3 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, जो अब इन्फ्लेशन के चलते काफी ज्यादा हो गया होगा। इस तबाही मचाने वाले स्टॉर्म के बाद गल्वेस्टन के लोगों ने 3.5 मील लंबी समुद्री दीवार बना डाली और पूरी सिटी का लेवल 16 फीट तक ऊंचा कर डाला। आगे चलकर उन्होंने समुद्र के किनारे बनाई दीवार को 10 मील तक बढ़ा दिया। अगर आज के जमाने में गल्वेस्टन जैसा स्टॉर्म आता तो सभी के छुपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। 1900 में जहां स्टॉर्म टकराया था, उस पूरे एरिया में पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ चुकी है। इसलिए कल्पना करें कि आप एक कार में बैठे हैं और ब्रेकिंग न्यूज मिलती है, उसके मुताबिक एक स्टॉर्म ने मैक्सिको के गल्फ और इसके ईस्ट में क्यूबा के पास दस्तक दी है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप टेक्सास के रास्ते पर हैं, इसलिए आप घर वापस लौट आते हैं। गैस स्टेशन और सुपरमार्केट्स में काफी सारे लोग हैं। अब न्यूज कह रही है कि स्टॉर्म स्पीड पकड़ सकता है और वहीं टकराएगा जहां आप रहते हैं। ओके, अब घबराने का टाइम है। आप आने वाले स्टॉर्म के मुकाबले की तैयारी करने के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं, लेकिन अब तक सारे शेल्फ खाली हो चुके हैं। हर कोई किसी रॉक कंसर्ट की तरह एक दूसरे को धकेल रहा है। आपको जो मिलता है आप उठा लेते हैं और वापस अपनी कार में लौट आते हैं। आप काफी लकी हैं कि आपने थोड़ा एक्स्ट्रा गैलन गैसोलीन खरीद लिया। आप एक सुपरमार्केट से दूसरे सुपरमार्केट तक ड्राइव करते हैं ताकि कुछ सामान खरीद सकें, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता। आखिर आपको एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां कुछ जरूरी सामान अभी बचा हुआ है। आप अपने शॉपिंग कार्ट में सामान भरना शुरू करते हैं, तभी लोकल न्यूज से अनुरोध आता है कि सभी लोग ये जगह खाली कर दें। आपके पास निकल जाने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन आपने अपने कुत्ते को घर पर छोड़ दिया है। आप वहां पहुंचने के लिए ट्रैफिक में तेज जाते हैं। आपका पूरा पड़ोस पूरी तरह से खाली है। आप अपने कीमती पूंछ को उठाते हैं और निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजें ले लेते हैं। बस थोड़ा सा ही समय बचा है और आपको पहले ही महसूस होने लगा है कि हवा तेज हो रही है और समुद्र पास में ही है। न्यूज आपको बताती है कि हरिकेन अब तक फ्लोरिडा पहुंच चुका है। आप कार में बैठते हैं, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होती। वैसे आप काफी तेजी से ड्राइव कर रहे थे, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपकी सारी गैस खर्च हो गई है। अच्छी बात यह है कि आपको रास्ते में वो एक्स्ट्रा गैस कैन मिल गए थे। आधे टैंक के साथ आप सिटी से बाहर और एक ऐसी सुरक्षित जगह तक जा सकते हैं जहां सब लोग जा रहे हैं। हवाएं तेज हो रही हैं। आपके पास इस स्टॉर्म को हराने का कोई तरीका नहीं है। कोई नजर नहीं आ रहा क्योंकि सब लोग पहले ही निकल चुके हैं। तेज बारिश शुरू हो चुकी है। आपको कुछ पेड़ बेतहाशा हिलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर आपको ऐसी जगह मिलती है जो शेल्टर जैसी लग रही है। आप वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि ये एक वीरान मॉल है, और तभी कुछ बहुत बुरा होता है। आपको पता चलता है कि आप सारा वक्त उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे। आप थोड़ा स्ट्रेच होने के लिए कार से निकलते हैं और देखते हैं कि आपको कौन सी रोड पकड़नी है। हवा इतनी तेज है कि आप वापस कार में लौट आते हैं और पाते हैं कि आपका कुत्ता भाग गया है। आप उसे कहीं नहीं तलाश कर पा रहे। आप आसपास ड्राइव करते हुए उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता। आप उसे झाड़ियों के पीछे छुपकर भौंकता हुआ देखते हैं। आप दौड़कर उसके पास जाते हैं और पाते हैं कि उसे एक कूल छोड़ा हुआ अंडरग्राउंड शेल्टर मिल गया है। हवाएं अब तक खतरनाक पॉइंट पर पहुंच गई हैं और आप आगे ड्राइव नहीं कर सकते। आप अपना सामान उठाते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सारा सामान मौजूद है, यहाँ तक कि बिस्तर भी लगा है। आप ऊपर चल रही हवा और बारिश की आवाज
सुन सकते हैं, लेकिन आप अपने कुत्ते को बाहों में समेटकर बैठे हैं। अगले दिन आप उठते हैं और पाते हैं कि आपकी कार उछलकर दूसरी सड़क पर पहुंच गई है और एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अरे, आप खुश हो सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर स्टॉर्म्स में से एक से जिंदा बच गए हैं।